6 अगस्त से शुरू होगी रोजाना सुनवाई। मंगल, बुध और गुरुवार को होगी सुनवाई। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की ये कुछ बड़ी बातें हैं। देश की अदालतों में सबसे लंबे समय तक चल रहे अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए जो मध्यस्थता कमेटी बनाई गई थी वो फेल हो गई। पूर्व न्यायाधीश खलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू अयोध्या विवाद के सभी पक्षकारों को नहीं समझा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में नियमित सुनवाई का आदेश दिया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करेगी। इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S.A. नजीर शामिल हैं। आज हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, हमें मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट मिली है। मध्यस्थता कमेटी कोई हल ढूंढने में नाकाम रही है। अब केस में 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। इस पर मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कहा, हमें इस केस में बहस करने के लिए करीब 20 दिन का समय चाहिए। इस पर CJI ने जवाब दिया, देखेंगे। मामले की सुनवाई में रहे एक अन्य वकील विष्णु ने कहा, मध्यस्थता पैनल किसी एक मुद्दे पर बातचीत करने में असफल रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस मामले में विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे, पहले मामले की सुनवाई शुरू होने दीजिए। आगे चीफ जस्टिस ने कहा, सभी वकील अपने अपने मामलों से संबंधित दस्तावेज तैयार कर लें, जिन्हें आधार बनाकर वो बहस करेंगे। आगे मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मामले में अब 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ हफ्ते में 3 दिन सुनवाई करती है, यानी रोजाना सुनवाई का मतलब है कि बेंच मंगल, बुध और गुरुवार को सुनवाई करेगी। संविधान पीठ ने आज जो मध्यस्थता रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि वो फेल हो गई है रिपोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 6 अगस्त से डे टू डे हियरिंग की आज आदेश पारित कर दिया है और 6 तारीख से उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं होते हैं डे टू डे हियरिंग चलती रहेगी। राजीव धवन जो मुस्लिम पक्षकार के वकील है उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पिटीशन के बारे में, उसको भी उन्होंने आज सुनने से मना कर दिया, ये कहा कि जब समय आएगा तब इस पर विचार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रोजाना सुनवाई के लिए तैयार होने के अहम मायने हैं। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विवादित जमीन को राम मंदिर, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े में बांट दिया था। इसके बाद 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। तब से ही सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद लंबित है। विवाद के अलग अलग पहलुओं पर कोर्ट में लगभग सुनवाई हो चुकी है। जानकारों के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट को बस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करनी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई नवंबर महीने में रिटायर होने वाले हैं। परंपरा ये रही है कि बतौर संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष रिटायरमेंट से पहले केस की सुनवाई पूरी कर ली जाती है। इस हिसाब से अयोध्या विवाद में अगले 100 दिन में करीब करीब 45 सुनवाई होंगी, यानी अगले 100 दिनों में अयोध्या विवाद का हल निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। देश के सबसे बड़े मुकदमे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको भी अनुवाद अपना फाइल करना है वो फाइल कर सकता है, पर हम कोर्ट का हियरिंग में स्टार्ट करेंगे 6 अगस्त। जो लोग जल्दी इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे उनके लिए आप एक बड़ी जीत मान रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन के जो भी ऑब्जेक्शन थे या जो भी आर्ग्यूमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी नहीं मानते, वो आप हियरिंग के टाइम पे देखेंगे। कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग 6 अगस्त से स्टार्ट करने का है डे टू डे बेसिस पे। और हिंदू अब ये देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिन लगाए थे इस मैटर की हियरिंग के लिए। एक्सपेक्टेशन है कि कितनी देर में खत्म होगी। देखिए, हिंदू पार्टीज का जहां तक सवाल है मुझे लगता है हिंदू पक्षकार इस मामले में मिनिमम 40 दिन लेंगे अपनी बहस रखने के लिए। जाने क्या होगा रामा रे, राम अब टेंट में नहीं रहेंगे रे, 100 दिन में फैसला आ सकता रे, ये तो माय लॉर्ड जाने रे। राम नाम देश में राजनीति में धर्म का केंद्र बिंदु रहा है और इसके साथ साथ ऐसा लगता है कि कोशिशें रंग लाई और 100 दिन में सुनवाई, जी हां, इसी को लेकर मचा है देश में बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। इसी पर चर्चा भी होगी, लेकिन चर्चा और पैनल को आपसे रूबरू कराने से पहले मैं पैनल को यह बता दूं, सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप बेझिझक जवाब भी सुन सकें, क्योंकि यहां लफ्जों की धोखेबाजी चलती नहीं। जी हां, मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल, सम्मानित पैनल जुटा हुआ है। आचार्य सत्येंद्र दास साहब जो कि मुख्य पुजारी राम टेम्पल अयोध्या, राम मंदिर अयोध्या से हैं। मेरे साथ विष्णु जैन साहब जो कि याचिकाकर्ता रहे हिंदू महासभा के और वरिष्ठ वकील हैं, वो भी जुड़े हुए हैं।
मेरे साथ विनोद बंसल साहब, आज बधाई का दिन है और चेहरे पे मुस्कान भी होगी उनके, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, धर्मगुरु हैं, वो स्टूडियो से जुड़े हैं। मेरे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब, वो भी जुड़े हैं और वो भी अपनी राय रखेंगे कि आखिर कितने जल्दी फैसला है और फैसला किसके पक्ष में हो। और उसके साथ साथ दीपक झा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आप सब जानते हैं लगातार तमाम डिबेट में वो किसका पक्ष रखते हैं। मेरे साथ नीतू डबास जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगी। और साथ साथ महमूद प्राचा जी जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं, वो भी जुड़ेंगे। जी हां, सबसे पहला सवाल विनोद जी, 100 दिन में फैसला, 155 दिन की मेहनत फेल। निश्चित रूप से देखिए, हमने पहले ही कहा था, डेवन में ही कहा था कि जो मध्यस्थता है वो कामयाब नहीं हो सकती। देखिये, जन्मभूमि राम की है, प्रभु राम का जन्म स्थान पर कोई न समझौता हो सकता, न कोई डिवीजन हो सकता, न कोई ट्रांसफर हो सकता, तो इसमें मध्यस्थता का कोई अर्थ नहीं था जी। अब बात यह है कि देखिए, देखना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपने जो बाबरी विध्वंस वाला मामला था उसमें जिस तरह से उन्होंने डेडलाइन सेट की थी, हमें संतोष है कि उस तरह की कोई डेडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में भी सेट करेगा कि जिस तरह से उस मामले में जो सीबीआई जज था उनको कहा कि आप जब तक रिटायर नहीं हो सकते जब तक कि आप इसका ये जजमेंट नहीं देते। मैं कहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में भी ये बात तो विनोद जी दीपक मिश्रा के टाइम भी हुई थी, 100 दिन के अंदर अंदर, यानी विनोद जी ये तब के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी की अदालत में भी ये बात आएगी और इस पर फैसला आएगा, इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही थी। नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो उस समय भी लगाई जा रही थी, हम तो उम्मीद के इशारे जी रहे हैं। आपको पता है भाई साहब, आपको पता है 500 साल के सतत संघर्ष के बाद हिंदू समाज ने 70 साल की कानूनी लड़ाई के इस मुकाम पर अभी पहुंचे हैं कि अभी तो सिर्फ डे टू डे हियरिंग की बात हुई है, अभी कोई बहुत विजय का इशू विषय नहीं है। हाँ, हमें इस बात का संतोष है और हम हिंदू समाज इस बात को लेकर के आशान्वित है कि भाई अब आखिरकार वो निर्णय की घड़ी आ रही है निकट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, प्रोवाइडेड कि वो जो शाउटिंग ब्रिगेड है, जो कांग्रेस प्रायोजित जो गैंग है, वो गैंग दोबारा से किसी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर को महाभियोग नहीं लगाएगी, दोबारा से कोई उसको जगह को धमकाएगी नहीं और दोबारा से कोई ना कोई अनावश्यक रूप से एडजर्नमेंट नहीं लेगी, जिससे कि ये जो एडजर्नमेंट जो लेते हैं उन लोगों पर शिकंजा कसेगी, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को गंभीरता से लेंगे। विनोद जी, मुझे याद है आप मेरी एक इसी मुद्दे की डिबेट पर आप बैठे थे और आपने ये पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मध्यस्थता पैनल की जो रिपोर्ट होगी वो फेल होगी, सहमति नहीं बनेगी। तो आखिर आपको ऐसे क्या केंद्र बिंदु या जानकारी आपको मिली थी जिसके बूते आप कह रहे थे कि ये रिपोर्ट और ये कोशिश फेल होगी? देखिए, मेरा विश्वास था, आपको मैं बड़ा विशुद्ध रूप से आपको बता दूं ईमानदारी से, वो ये कि देखिए जन्मभूमि राम की है, मैंने पहले ही बताया था, और उस जन्मभूमि पर देखिए जो भगवान की जो भगवान का जो स्थान होता है, मंदिर होता है, हिंदू समाज उसका कस्टोडियन तो हो सकता है लेकिन मालिक नहीं बन सकता। वी डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू पास आउट दिस प्रॉपर्टी राइट टू एनीबडी। और देखिए, जन्मभूमि की हम पूजा करते हैं, हिंदू समाज जन्मभूमि की भूमि की पूजा करता है और भूमि का कोई भी एक एक इंच हमारे लिए पितृभूमि, देवभूमि, पुण्यभूमि है, हम उसकी न तो ट्रांसफर कर सकते न किसी को डिवीजन कर सकते। जब हम किसी को दे ही नहीं सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो मध्यस्थता किस बात की भाई साहब, मुझे बताइए, और किसके लिए? क्या बाबर के लिए मध्यस्थता करेंगे? नहीं, लेकिन ये तो अदालत की कोशिश और बनेगा कि दोनों को साथ लेकर संकल्प है। विनोद जी, मैं आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवाल आपसे भी हैं। मैं चलता हूं महमूद प्राचा साहब के पास। महमूद साहब, 155 दिन की मेहनत फेल और 100 दिन में आएगा फैसला। देखिए, अब बुनियादी बात यह है कि सभी पक्षों को इस बात पे एक राय रखनी चाहिए कि जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा सब उसके सामने सर झुकाएंगे। इसके अलावा आपको और कोई बात नहीं होनी चाहिए, इस पे ही हमें अपनी डिबेट खत्म करनी चाहिए सभी पक्षों को, कि जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगी सभी लोग उसको प्यार से। राचा साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उस फैसले को मानेगा। आज आप इस बात को आप दोहरा दें कि हमें वो फैसला मंजूर होगा
जो कि अदालत देगी उस पर कोई टीका टिप्पणी और कोई अड़ंगा नहीं आएगा। देखिए, पहले तो जो भी संस्था ऐसी होगी जो संविधान में आस्था रखती होगी वो इस बात से कभी ना कर ही नहीं सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी। परंतु यदि कोई ऐसी संस्था भी है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी, उसको मनवाने के लिए भी भारत के जो हमारा देश है उसमें भारत में पुलिस है, सेना है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मनवाने के लिए समर्थ है। जैसा कि कुछ संस्थाओं ने 1992 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की अवहेलना करते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, परंतु ऐसा करना संविधान के खिलाफ है और ऐसा किसी को भी बाबरी मस्जिद ने बाबरी ढांचा भारत का जो पापी ने बनाया था पाप का ढांचा था वो बाबरी मस्जिद। विनोद जी अपन बहस और चर्चा पर बाद में जाएंगे, इस समय शुरुआती जो राउंड होता है उसमें सबको अपने विचार और जो कि जिस मुद्दे पे चर्चा और बहस हो रही है पहले वो अपने विचार रखते हैं फिर हम बहस खोलते हैं। विनोद जी की संस्था ने हजारों लाखों करोड़ रुपए इसमें कमाए हैं और इनका तो मेन मुद्दा यही है कि ये मुद्दा चलता रहे और इनकी जो अरे हमने हथियार नहीं बांटे आपकी तरह है। ये इससे आपकी तरह को जनता को मुसलमानों को हथियारों का सौदागर नहीं बना रहे हम। महमूद जी हम हथियारों की ट्रेनिंग पर हम बात कर रहे हैं की बात करने पे सबसे ज्यादा परेशान प्राचा साहब हम जिस मुद्दे पर अपनी बहस कर रहे हैं उससे हम दाय बाय नहीं होंगे। प्राचा साहब राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है हमें उसी पे टिके रहना है, दाय बाय नहीं होंगे। गंभीर मुद्दा है, सारा देश सारी दुनिया इस पे नजरें लगाए हुए हैं। जी को बताइए ये अगर उस बात को उस तरफ ले जाना चाहते हैं तो उस पर भी डिबेट कर लें। ये विषय के अलावा सब कुछ बोला है लेकिन विषय पर नहीं बोला गया। करने के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें प्राचा साहब, फिर मैं विषय तभी तो आप जुटा रहे हो ना। आपके लोग सारे मुसलमानों को आपके लोग बंद जो है काले लोग बनाने के चक्कर में शेड्यूल ट्राइब को और माइनॉरिटीज को मार रहे हैं। बात छोड़ दीजिए। अच्छा साहब, विनोद जी मुद्दे को ना भटकाया जाए। विनोद जी मुद्दे को ना भटकाया जाए। राजा साहब ये नहीं चलेगा। मुद्दा राम का है, राम पर बात होगी। मैं नहीं भटका रहा। ये बंसल साहब को बताइए। बंसल साहब ने भटकाया विषय। डिबेट में बुलाओगे जो सुपारी किंग है सही बात बता रहा हूं उसको मैं क्या बोलूंगा बताएं। ये हजारों करोड़ रुपए लगाएगा राम का मंदिर निर्माण करने के लिए। ये जो आतंकवाद बनते आ चुका है मुसलमानों को आतंकवादियों को आतंकवाद की तरफ प्रेरणा देने वाला महमूद प्राचा जी राम मंदिर पर प्राचा जी मुसलमान और हिंदू की बात कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। मुझे फिर हिंदू मैं सत्येंद्र महाराज सत्येंद्र जी के पास चल रहा हूँ। बंसल जी की बात आपको सुनाई नहीं दे रही है। आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी भी सत्येंद्र जी के पास सीधे चल रहा हूँ। सत्येंद्र जी ये कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं राम मंदिर के निर्माण में कि अब फैसला 100 दिन के भीतर आ सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह पता है, जजेज को, कि यह 100 दिन के अंदर आ सकता है। उनकी पूरी जानकारी है क्यों ये बहुत दिनों से केस चल रहा है। इसलिए मुझे आशा है कि 6 तारीख से जो शुरू होगा प्रतिदिन तो निश्चित है कि 100 दिन के अंदर आ जाएगा। जो लोग ये शंका करते हैं कि कैसे आएगा किस प्रकार से आएगा वो निर्मूल है, वस्तुता है, सारी बातें हो चुकी हैं। कई जितनी भी उस संबंध में कहना चाहिए था वह सारी बातें बहुत दिनों से चल रही हैं। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रख चुके हैं और अपने अपने तरफ से वो बांस कर चुके हैं और एक कोर्ट हाई कोर्ट ने एक निर्णय भी दे चुका है। तमाम आधार सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को 100 दिन में निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आचार्य जी, यदि प्रतिदिन उसकी सुनवाई होता है। आचार्य जी, हाई कोर्ट के फैसले के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट आया उसके बाद साधु संत समाज इस बात से हमेशा परेशान दिखा कि तारीख पे तारीख ऑर्डर कब। जी हाँ, ये तो बहुत आशा, जब तारीख पड़ती है तारीख के बाद फिर तारीख पड़ती है तो एक प्रकार से निराशा आई है। कई बार से मैंने इसी डिबेट पर कहा है कि इस प्रकार से तारीख पर तारीख पड़ना ये एक निराशा है और जो सुप्रीम कोर्ट से हमें आशा है वो बारंबार यदि तारीख पड़ रही है तो निराशा है। लेकिन अब की जिस प्रकार से यह निश्चित हुआ है कि 6 तारीख से बराबर इसकी सुनवाई होगी तो मुझे आशा भी जगी है कि यह जल्दी से जल्दी और 100 दिन के अंदर
निश्चित है निर्णय हो जाएगा। आचार्य जी आप मेरे साथ बने रहें, आपसे और भी सवाल और बातचीत होगी। इस बीच हमारे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब हैं। नुमानी साहब, बातचीत फिर एक बार फेल। देखिए इसको आप जो है वो फेल नहीं कह सकते हैं, कम से कम जो इतने दिनों तक जो है मत्स्या का की प्रक्रिया चली है उसमें वो जजेस को सोचे और क्या जो है वो साथ है। अब जो है चूंकि विवादित मुद्दा है और दो समुदाय के बीच में है तो उसके बीच में कहीं न कहीं अथॉरिटी का होना जरूरी है। आपका दिल क्या कहता है नुमानी साहब, आपका दिल क्या कहता है, क्या फैसला आ सकता है? चलिए अब बात आप ये समझिए, हाथी निकल गया पूछ रह गई है। देखिए जो भी निर्णय आएगा पहले तो हमें ये मन बनाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। नुमानी साहब, मौलाना साहब आप क्या सोचते हैं, क्या फैसला आ सकता है? ठीक है हम अदालत के फैसले को ना ही हम उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल क्या कहता है कि फैसला किस ओर होगा? देखिए क्योंकि ये जटिल है तो हम वो क्लियर जो है बात नहीं कह सकते हैं। मैं समझता हूँ हो सकता है कि वो दोनों के लिए जो है वो ऐसा फैसला आए कि वो मान्य हो, तो ये जो है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ मंदिर बनना चाहिए या नहीं नुमानी साहब? देखिए मैं जो है मंदिर मस्जिद दोनों के बारे में नहीं कह सकता हूँ, मैं तो निर्णय के साथ हूँ, जो भी निर्णय होगा हम उसके साथ जी। अब बिल्कुल क्लियर, और मैं ये भी आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि बोर्ड जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा न सड़कों का आएगा। जी जी जी। इस बीच मेरे साथ और दो मेहमान हैं जिनको बीच में लाना है, नीतू डबास भी जुड़ गई हैं, लेकिन हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने बात की सुब्रमण्यम स्वामी से जो कि एक मुहिम के तहत इसको बढ़ा रहे थे, और मुझे ऐसा लगता है कि आज सबसे ज्यादा खुश सुब्रमण्यम स्वामी ही हैं। इसमें तो खुश होने और रोने की कोई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी मौजूद हैं। स्वामी जी, जो कोर्ट का फैसला आया है कि मध्यस्थता खत्म हो गई, बहुत लोगों ने प्रयास किया कि मध्यस्थता से रास्ता निकल जाए, कोर्ट ने भी कहा मध्यस्थता, लेकिन आज कोर्ट ने साफ कह दिया कि अब मध्यस्थता का कोई फायदा नहीं है, डे टू डे हियरिंग करिए। आप शुरू से ये बात कह रहे थे कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। नहीं, मध्यस्थता की जो विफलता थी वो इस कारण से हुई क्योंकि मेरा जो मैं जब मध्यस्थता समिति के सामने गया तो मैंने कहा हिंदुओं का मूलभूत अधिकार है कि जहां आस्था कहती है राम पैदा हुए, और आस्था के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता नहीं है। आस्था माने बड़ी संख्या में लोग कुछ विश्वास करते हैं तो उसको माना जाता है, जैसे क्राइस्ट काम पैदा हुआ है वो तो आस्था के एहसास। सुन लीजिए, उसी लिए एक ही मध्यस्थता हो सकती है कि सुन्नी वाकफ बोर्ड कहीं और जमीन ले लें और वहां मस्जिद बना ले, क्योंकि वो कोई विशेष मस्जिद नहीं है, वो तो बाबर ने बनाया था, बाबर के कहने पर बनी थी, तो ये वो तैयार नहीं थे, तो इसलिए मध्यस्थता हो नहीं पाया। अब जो मैंने जो डिमांड की थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि मंगल से 6 तारीख से रोज दिन प्रतिदिन सुनवाई शुरू होगी। सभी पक्षों का मत भी नहीं था कि मध्यस्थता हो, सर एक ही पक्ष चाहता था मध्यस्थता हो, सभी पक्षों का मत भी नहीं था, तो सब सुप्रीम कोर्ट के ही उसको पता था, परंतु मैं बता रहा हूँ कि किस आधार पर आखिर में मध्यस्थता हो नहीं सकती, क्योंकि हिंदू तो छोड़ नहीं सकता उस जमीन को। उम्मीद है सर अब जल्दी फैसला आएगा मंदिर के ऊपर। हाँ, सितंबर एंड तक तो हमारी सुनवाई खत्म हो जाएगी और अक्टूबर में फैसला हो जाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ रत राकेश टंडन, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन बात कर रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी से। दीपक झा, 155 दिन की मेहनत फेल। जी देखिए मनीष जी, मैं सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस देश में सब चाहते थे मंदिर बने, लेकिन जो चाहते थे वो चाहते थे कानूनन बने, भारत के संविधान के तहत बने, ना कि इन भगवाधारी विश्व हिंदू परिषद के गैंग के मुद्दे पे बने। ये जो गैंग चला के विश्व हिंदुत्व का गैंग चलाते हैं, इनके हिसाब से मंदिर नहीं बनेगा। इन्होंने एक मुद्दा चलाया कि मंदिर हम बनवाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे, और आज कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला, तो भाजपा तो सत्ता की मलाई खा रही है और राम के नाम का बेड़ा गर्क कर दिया है, राम के नाम पे इतना सुनिया दिया है, इसलिए आज राम का नाम भी लोग राम के नाम पे क्या, राम के नाम पे इतना इतना फसल हो गया है। अरे चुप रही है, बोलिए इस तरह से आप बोल रहे थे, देश में राम सबके आराध्य, आपके नहीं है,
इसलिए राम के नाम पे आप राजनीति करिए, आप सत्ता पे आइए, ये आपका है। हिंदू समाज को गैंग मत बोलना, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। गैंग की तरह आप दूसरों को गैंग बोलेंगे और जब आपको गैंग बोलेंगे तो आपको मिर्ची लग जाती है। यही आपकी सभ्यता, यही आपके संस्कार है। इसलिए राम का, राम के हिंदू समाज को, राम के हिंदू समाज का पालन कीजिए, संस्कार बचाने का प्रयास कीजिए, विनम्र हो जाइए, तब जाके आप राम मंदिर। एक गुण राम का, ईसाम ने विद्या में तपोधन आनम ज्ञानम ने शीलम ने धर्म। देखिए ये जो है संसार दीपक झा, दीपक झा, दीपक झा, आप राजनीतिक विश्लेषक है, ठीक है, आप बुद्धिमान भी है, आप श्लोक पढ़ दे रहे हैं, सारी बातें उसके लिए आचार्य जी बैठे हैं, लेकिन लेकिन मेरी आपसे एक आग्रह, कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो जिससे धर्म और आस्था आहत होती है। ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग देश का सवाल में नहीं चलेगा। मनीष जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं कांग्रेस के साथ, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद बैन किया जाता है तो फिर क्या है, इनको बुरा क्यों लगता है? नेशनल टीम चैनल पर बैठे हो आप, एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हो। अरे नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के आप कांग्रेस एंड गैंग बोलते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, आप अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपने गैंग बनाया है। भगवान राम का भी बदनाम क्या है? भगवान राम भी आज जहाँ राम भगवान है वो भी दुखी हो रहे होंगे, भक्तों ने मेरी पूजा करी है। दीपक हो गया, आपका समय हो गया, शुरुआती दौर में आपसे जो बात करनी थी आप अपने बात रखिए। मेरे साथ आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी हैं। आचार्य जी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मध्यस्थता फेल, 100 दिन में आएगा फैसला ऐसा कहा जा रहा है, आएगा, ये हम दबाव नहीं बना सकते। जी जी जी, देखिए सीधी सीधी बात है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, हम मेजोरिटी में, और हमारा पेशेंस देखिए 60 साल और करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के दिलों की धड़कन और करोड़ों व्यक्तियों के दिलों की आस्था, और उसके बाद फिर कोर्ट, और उसके बाद फिर डे बाई डे। ये तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज हमें एक 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 आशा की किरण महसूस हो रही है कि डे टू डे हियरिंग में कोई ना कोई समाधान निकल आएगा, कोई ना कोई, क्योंकि साक्ष्य, खुदाई, खुदाई के अंदर हमारे राम निकले, उसमें मूर्तियां निकली, हमारा मंदिर निकला, और करोड़ों लोगों की आस्था, शिवलिंग भी निकलने की बात की, शिवलिंग भी निकला, और करोड़ों लोगों की आस्था। सुन लीजिए दीपक जी, अब सुन लीजिए, भगवान अरे हिंदुओं के पेशेंस, हिंदुओं के पेशेंस, दीपक जब आप कह रहे थे, आप कह रहे थे, किसी ने कहा, विनोद जी ने केवल बात की, आप इनको सुन लीजिए आचार्य जी को, करोड़ों लोगों की आस्था, और वो भी फिर कोर्ट के तारीख में तारीख, आप देखिए विनोद जी, विनोद जी मैं आ रहा हूँ, विनोद जी आ रहा हूँ, विनोद जी, विनोद जी आ रहा हूँ मैं, आज करोड़ों हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा हो चुकी। मनीष जी नहीं, आप मनीष जी नहीं व्यक्तिगत आरोप कोई नहीं लगाएगा। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग ना करें जिसमें आपकी व्यक्तिगत गरिमा कहीं ना कहीं दिखाई देती हो। आप एक शालीन व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व आपका ज्यादा बड़ा होता है, और व्यक्ति से व्यक्तित्व की पहचान होती है। ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल आप देश का सवाल में ना करें, सारा देश देख रहा है। विनोद जी, विनोद जी, आप गरिमा को पार ना करें, आप खुद एक सम्मानित और प्रवक्ता है, आप विश्व हिंदू परिषद के आप प्रवक्ता है। जब मंदिर के लिए इतना पेशेंस रख सकते हैं, और देखिए मध्यस्थता में कितना समय खराब किया, मध्यस्थता में कितना समय खराब किया, और मध्यस्थता चार बार नीतू डबा के पास भी जाना, आज नीतू डबा आ गया, नीतू डबा आचार्य जी, बीजेपी के प्रवक्ता नीतू डबा के पास, नीतू डबा मध्यस्थता की आखिरी कोशिश भी फेल, हिंदुओं को गुंडा बोलता है। अरे आप गैंग बताते हैं तो जाए कैसे बात दीपक करते हैं? नहीं, आप ऐसा कोई काम न करें, कोई कृत्य न करें, व्यक्तिगत कोई बात नहीं होगी। नीतू, मनी जी यहां तो इसको रोकिए, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा ऐसे निचले आदमी के साथ डिबेट करने में। नहीं नहीं, अब पूछी संतों का निराकरण कर रही है। विनोद जी आप रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना है, अब वक्त हो चला है गर्मा गर्म बहस में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर एक बार राम नाम को आखिर कौन कर रहा है बदनाम, और किस तरह की बातचीत उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर हो रही है,
ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। सवाल में फिर एक बार आपका स्वागत है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से बात की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी साहब हैं। जोशी साहब, राम मंदिर को लेकर, अयोध्या मसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। तो बहुत अच्छा फैसला है कि जल्दी शुरू कर रहे हैं वो और नित्य करेंगे, लेकिन ये पहले हो गया होता तो और भी अच्छा होता। आप क्या समझते हैं कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए? हाँ, जितनी जल्दी निर्णय हो उतना अच्छा है। मध्यस्थता जो है असफल साबित हुई। अब मैं जानता नहीं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये जो फैसला है कि नित्य और जल्दी प्रतिदिन सुनवाई होगी, ये बहुत अच्छा फैसला है। तो ये थे मुरली मनोहर जोशी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये महत्वपूर्ण फैसला है। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राम नाम देश में धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र हमेशा से रहे हैं। जी हां, इसीलिए राम के नाम पर राजनीति भी सक्रिय होती रही। इसके साथ साथ जब आपने देखा कि प्रचार प्रसार की बात थी चुनाव के पहले, तो प्रधानमंत्री मन की बात हो या अपना प्रचार दौरा हो, राम नाम का नाम लेना कभी नहीं भूले। इसके साथ साथ शिवसेना जो कभी नहीं अयोध्या पहुंची, वो मुंबई से चलकर उनके अध्यक्ष अयोध्या पहुंचे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, क्योंकि सुगबुगाहट यह है कि शायद इस पर फैसला अब लटकने वाला नहीं। और अदालत भी ये जानती है कि जो हिंदू मुसलमान के बीच की बेचैनी है उसे अब दूर करना जरूरी है। मेरे साथ नीतू डबास हैं। नीतू, आखिर राम मंदिर कितने जल्दी, तारीख पे तारीख, अब तारीख नहीं, माफी मांगेंगे? मनीष जी, डिबेट को आगे बढ़ाना है तो दीपक से माफी मांगेंगे। विनोद जी, बोलिए माफी मांगे। विनोद जी, मैं आप दोनों की बात कराऊंगा, लेकिन आप इस बात का विश्वास आपको भी देना होगा, आपको भी देना होगा कि आप भी शब्दों की मर्यादा नहीं लांगेंगे। मैं आप दोनों की बात कराता हूं, वो आप दोनों बात करें लेकिन शब्दों की मर्यादा ना लांगे। माफी मांगने के लिए बोलिए दीपक जी, आप सॉरी दीपक। हाँ दीपक, बात कर रहे हैं आप, धैर्य रखिए। दीपक का जवाब सुन ले आप, विनोद जी दीपक का जवाब सुन ले, इस बहस को विनोद ना बनाए। नहीं दीपक, विनोद जी, मैं जवाब नहीं, दीपक को माफी मांगनी पड़ेगी। किस बात की माफी चाहिए आपको? आप बड़े विद्वान हैं, किस बात की माफी चाहिए? कान दिए भगवान ने सुनने के लिए, आंख दिया है देखने के लिए, मुंह दिया बोलने के लिए, सिर्फ आप ही बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। भगवान, ऐसे कैसे बातें करते? आप गैंग बोले तो अच्छा है, मैं गैंग बोले तो माफी मांगे? दादागिरी है क्या यहाँ पे? चलो बैठ के माफी मांगे, ऐसे नहीं चलता। विनोद जी, ये शाब्दिक तर्क के तहत आप दोनों की बात की जिसको जनता ने देखा और जनता ने सुना। दीपक, विनोद जी, आपने भी कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसको लेकर ये दीपक का प्रत्युत्तर था। विनोद जी, बहस भड़काने का वक्त नहीं है, बहस भटकाने का वक्त नहीं है। विनोद जी, मुझे नीतू डबास के पास चलना होगा, इससे बहस भटकेगी। बीजेपी की प्रवक्ता है, बीजेपी की प्रवक्ता है। हिंदू धर्म के साथ साथ मैं हिंदुस्तान को, मैं भारत के संविधान को यकीन रखता हूँ। व्यक्तिगत होने से कुछ नहीं होगा, व्यक्तिगत नीतू डबास, नीतू डबास मनीष, आप सेंड कर सकते हैं, मैं नहीं मैं कर सकता। तुम पर हर बार भरोसा करता हूँ। दीपक, बात खत्म हो गई। विनोद जी, आपने कहा, उसका जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने अपनी बात कही। नीतू डबास, आप ये बताएं, तारीख पे तारीख, अब ऑर्डर पे ऑर्डर। बिल्कुल, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, हम खुले तौर पर इसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो लगातार ये पक्ष रहा था कि इस पे त्वरित कार्रवाई हो और सुनवाई हो, ताकि जल्द से जल्द जो है निर्णय तक पहुंचे। और हम ये अपेक्षा ही करते हैं और हमारी पूरी आशा है, उम्मीद है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय दोहराया जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है सबूत मानती है और वो वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर था, उसके तमाम सबूत हैं।
और हमारी पूरी अपेक्षा पूरी उम्मीद है कि जिस तरह लगातार अभी तक आप कह रहे थे नीतू अपनी बात पूरी कर ले, सवाल बहुत जल्दी ही अच्छा निर्णय आएगा। निर्णय तो आ जाएगा, कोर्ट का निर्णय आएगा। दीपक 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 आप रुकिए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। भगवान राम को बदनाम किया है, अपमानित किया है विश्व हिंदू परिषद और भाजपा। दीपक उनको अपनी बात पूरी करने दे आप। अरे भगवान राम को सोनिया के दुर्गे चुप हो जा। बहुत देर तक मैं आपसे बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगता। किसने बदनाम किया है, किसने नहीं किया है, क्या स्थिति खड़ी है, ये पूरे देश ने सोनिया के दुर्गे चुप हो जा। बैठकर आप लोग जो है आप लोग उस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर जो चर्चा हो रही है उसकी मर्यादाओं को आप लांग रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा कतई न करें आप। पहले आप खुद पड़े बात करने पे, खुद की मर्यादा तो आप तय करके अपने मर्यादा को मान लीजिए। इस पूरे देश में देखा है आपको क्यों इतनी बौखलाहट है। यहाँ पे 100 करोड़ हिंदू हैं, आप गैंग बोल रहे हैं। दीपक झा नीतू की बात पूरी हो जाए। नीतू ने अभी तक इस चर्चा में हिस्सा नहीं लिया था, उनकी बात पूरी होने दें आप। नीतू आप अपनी बात पूरी करें। और दीपक जी बीच में मैं भी बोल सकती हूँ, और भी यहाँ पर पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की बात सुनने की क्षमता रखिए। दीपक कि दूसरों को यहाँ बैठकर टारगेट ही करना है। जब राम के नाम पे झूठ बोला था तो दीपक उनको अपनी बात पूरी कर लेने दो। उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कौन सा झूठ बोला है? तो सोनिया मानती नहीं था। राम को गौरव जैसे लोग कहते हैं, सोनिया तो कहते राम तो हुए नहीं। भगवान श्री राम के अस्तित्व पे पश्चिम चिन्ह लगा दिया था। देश ने देखा है कि किस प्रकार के लोग गैंग करके होकर सुप्रीम कोर्ट में जा जाकर खड़े होते थे। आज तक इस देश में चर्चा हुई थी, और आज आप लोग क्या हिंदुस्तान के संविधान की बात करते थे, अगर कोर्ट में खड़े होते थे। हमने किया कि आज संविधान की बात से चर्चा कहीं नहीं जाएगी। आप ऐसा बीच बीच में कहेंगे, वो अपनी राय और अपनी बात कैसे रखेंगे? इस देश के राम संस्कृति में रोम रोम बसते हैं, उनके अस्तित्व पे आपने प्रश्न चिन्ह उठा दिया था। मनीष जी, मैं ऐसी डिबेट में भागीदारी नहीं कर सकती। या तो आपके बगल में बैठे उनको चुप कराइएगा, ये कोई तरीका नहीं होता डिबेट। आप अपनी बात पूरी करें नीतू, आप अपनी बात पूरी करें नीतू, आप अपनी बात पूरी करें नीतू, आप अपनी बात पूरी करें। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ये पक्ष रहा है कि भगवान श्री राम मंदिर और जो भी वहां पर मध्यस्थता पैनल फेल हुआ है, कोई नहीं, मैं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि वो उस पर 6 अगस्त से लगातार जो है सुनवाई करेंगे, और पूरी तरह से हम ये स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, और पूरी अपेक्षा और उम्मीद है कि क्योंकि कोर्ट जो है सबूतों के आधार पर चलती है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय दोहरा जाएगा और भगवान भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। बने रहे, मेरे पास और भी सवाल है, मैं सीधा विनोद बंसल के पास चलता हूँ। विनोद जी, आखिर आपको लगता है अब जो 100 दिन में ये मामला तय होने का, ऐसा लगता है कि भगवान राम आजाद हो जाएंगे उस टेंट में जहां भगवान बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि इसमें जो अड़ंगे आते थे वो इस बार अड़ंगे नहीं आएंगे ट्रांसलेशन के नाम पर और मीडिएशन के नाम पर? देखिए, जो रामद्रोही शक्तियां हैं मनीष जी, आपको पता है कांग्रेस प्रायोजित जो साउटिंग ब्रिगेड जिसका नाम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, वो जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर महाभियोग तक लगा सकती है, तो अभी उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना कोई गलत बात होगी। लेकिन हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की डेडलाइन उन्होंने बाबरी विध्वंस वाले मामले में सेट की है कि जज तब तक रिटायर नहीं होगा जब तक उसका डिसीजन नहीं देगा, उस तरह से मुझे लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने आप में भी ध्यान रखेंगे इस बात का। और ऐसे जितने भी साउटिंग ब्रिगेड है जो बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद करने को तुली हुई है, और जिसका न्यायालय में से निर्णय आने में कोई विश्वास नहीं है, जिनके लिए वो भूमि एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए वो जिगर का टुकड़ा है। हम एक एक दिन गिन रहे हैं। 500 सालों के संघर्ष के बाद में 70 साल हमारे कानून लड़ाई लड़ी, और हमारे लिए आज एक दिन भारी पड़ रहा है। हम लोगों को बताइए, कुछ पढ़ ले, हम लोग आएगा 500 साल का इतिहास ये कहां से बोलते हैं? पता नहीं है,
एक महाभियोग की बात किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। उनके जमाने में हाई कोर्ट के जज के ऊपर केस चलाने की आदत इजाजत दिया गया है। मतलब क्या करेंगे जो इतिहास की बात हो रही है, बात यह है कि बाबर ने 1528 में मंदिर तोड़वाया था। बाबर ने संघर्ष का जो ये बताते हैं, मुगल काल में सारे मंदिर मंदिरों को तब्दील किया गया मस्जिदों में। अरे 1528 में भी किया गया मनीची, 1528 में तो मस्जिद बनाई है ना, ये कहा है कि वो मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद बनाई है। और हिंदुओं ने संघर्ष किया, 500 साल किया है इतिहास है, बताइए। और 1885 से कानून लाया है, किसने मंदिर बनवाया था ये तो बताइए ना। 1549 में मंदिर किसने बनवाया था? इस बीच में आचार्य जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी की बात करता हूँ। आचार्य जी विवाद वही 5 साल पीछे चला जाता है कि आखिर वहाँ मंदिर था या नहीं, इसी को लेकर बात हो रही है। और इसके प्रमाण भी अदालत को मिल चुके हैं कि वहाँ पर मंदिर के चिन्ह मिले, सारी बातें दिखी है। लेकिन ये आज भी एक पक्ष है जो मानने को तैयार नहीं। आचार्य जी दीपक रुकिए, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हमारे इस पैनल में है, आचार्य जी उनकी बात सुन लेते हैं। नुमानी साहब, आचार्य जी सबसे बुजुर्ग हैं, उनको बैठने में तकलीफ हो रही है, लेकिन चूंकि मुद्दा करके और विषयांतर बात कही जाती है, वो कष्ट होता है कि बात जो चल रही है राम मंदिर बाबरी मस्जिद का, और जो कोर्ट करना है उसको है, लेकिन इसी में राजनीति, इसी में पार्टी की बात और ये बातें आकर के विषयांतर बात होकर के, और इसको और जो जो समझौता या जो रूप में आना चाहिए न्याय के रूप में, उसमें विघटन आ जाता है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की फालतू बातें डिबेट पर बैठकर के न करें, और जो वास्तविक बात है कि ये कोर्ट क्या करना है क्या नहीं करना है, और कोर्ट जिस रूप में उसने निश्चय किया है कि हम प्रतिदिन सुनवाई करेंगे, तो इतने दिनों का इतना पुराना केस है, और यदि वो 100 दिन में इसका समाधान करने के लिए सोची है तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के विचारों को हम आदर करना चाहिए कि हाँ उसने ऐसे समस्या को जो दो संप्रदाय के लोगों का समस्या है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की समस्या है, उसको 100 दिन में समाधान करने के लिए कोर्ट सोच रही है, हम इस पर विचार करें। वस्तुतः हम तो बहुत प्रसन्न है कि रामलला को 26 वर्षों से वो स्टार्ट पट्टी में देख करके और सारे वर्षा गर्मी ठंडी तमाम समस्याओं को झेलते हुए देखा हूँ। ऐसे स्थिति में यदि 100 दिन के बाद यह समस्या समाधान हो जाती है तो उससे और अच्छी बात क्या होगी। लेकिन यह कहे कि किसके पक्ष में आएगा किसके पक्ष में नहीं जाएगा, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है, कोर्ट सारे सबूतों को देख करके अपना निर्णय लेगी। आचार्य जी आप बने रहे, मैं आपके पास आऊंगा। महमूद प्राचा साहब, अब कोई ट्रांसलेशन और कोई मीडिएशन की गुंजाइश नहीं, अब केवल फैसला, ऑर्डर ऑर्डर। ये आप देखिए, इस प्रकार के सभी निर्णय जो हैं माननीय न्यायाधीशों के ऊपर छोड़ने चाहिए आपको, और हमें अंदाजे लगाना बंद कर देना चाहिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप चूंकि खुद अपने आप में एक वकील है और आप चीजों को भाप लेते हैं, जो जिस दिशा की ओर अब ये फैसला जाता दिख रहा है, मध्यस्थता फेल हो गई है, आम सहमति नहीं बन पाई, आपको लगता है अदालत को इससे मदद मिलेगी कि आखिर वो अपने फैसले को बिल्कुल सहज और सरल तरीके से आगे बढ़ा ले? क्योंकि मध्यस्थता पैनल में किन कारणों से ये सहमति नहीं बन पाई, इससे दिशा मिलेगी? अब तो वकील हो, सारे साक्ष्य हैं अब तो अदालत के पास, खुदाई के भी सबूत हैं, आप क्या न्यायालय कर सकते हैं ये बताइए, सीधी बात है। स्वामी जी, इस बात करनी है कि आपके आएगा कि किसके आएगा, बहस इस बात की है। हमारा दीपक
राम के फैसले को लेकर अड़ंगा, राम के नाम की बहस चल रही उसमें अड़ंगा, क्या दिक्कत है यार? दिक्कत इस बात की नहीं है कि दिक्कत है कि भाजपा के लिए, भाजपा ने जिस राम को बदनाम किया, जिस राम के नाम पे इतना खून बहाया, इस मामला कोर्ट में चल रहा था। देश की सभी पार्टियां कह रही थी जो संविधान जो न्याय संगत होगा वही फैसला आएगा, जल्दी करेंगे। मर्यादा तो मर्यादा तो इन्होंने बुलाया है, जल्दी महमूद प्राचा जी आप अपनी बात रखें और फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। महमूद प्राचा साहब राम को पूरा देश पूजा कर, महमूद प्राचा साहब आप अपनी बात रखें। दीपक 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 वो खुद एक वकील है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई को रुकवाने के लिए आगे चले जाते हैं। आपके दरवाजे पर नहीं आते, सुप्रीम कोर्ट की आपका जो फैसला होगा वही मान्य होगा, भाजपा का फैसला नहीं मान्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने में आपके पेट में दर्द क्यों होता है? चाहे 2019 में आए चाहे 2020 में आए, अच्छी बात है फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, लेकिन आपने क्या किया? 30 सालों से जनता को गुमराह बनाया है, झूठ बोला है। दीपक महमूद प्राचा को लेते हैं, महमूद प्राचा को बीच में आना जरूरी है। दीपक आप रुके, नीतू आप शांत हो, महमूद प्राचा अब ट्रांसलेशन नहीं मीडिएशन नहीं, मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा। छल में छेद किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि 100 दिन के अंदर डिसीजन आ जाएगा, तो भाजपा का दीपक दीपक अदालत पे कोई भी टिप्पणी नहीं, अदालत को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। सोनिया के सुपारी चंद चुप हो जाओ। देखिए महमूद प्राचा साहब आदमी पढ़े लिखे मुझे लगता नहीं है हिंदू को ठेकेदार बन गए, हिंदुत्व में ऐसे शब्दों की जगह नहीं है विनोद बंसल जी, लेकिन मैं नहीं कहता कि मैं डिबेट आपसे महमूद प्राचा जी की बात पूरी होने दे। महमूद प्राचा आप अपनी बात पूरी करें। दीपक रुकिए आप धर्मांतरित हो गया। महमूद प्राचा आप अपनी बात पूरी करें। देखिए हम लोग बहुत ही अच्छे से पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि ये फैसला सिर्फ न्यायालय कर सकता है और ये फैसला जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, देश हित में होगा। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि फाइनली ये फैसला होने जा रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। परंतु जो भारत सरकार है उसने चुनाव से पहले भी एक एप्लीकेशन लगा के इसको डिले कराने की कोशिश की है, तो अब मेरे ख्याल से जो न्यायालय है वो इस प्रकार की किसी भी जो दरखास्त लगेगी डिले कराने के लिए या देर कराने के लिए उसको नहीं माने। स्पीड अप करने की कभी कोई दरखास्त यूनियन ऑफ इंडिया ने नहीं लगाई है, देर कराने की कौन सी दरखास्त लगाई है? नया आस्पेक्ट शुरू किया था। डिले की कौन सी दरखास्त है? मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे तो सुनेंगे यदि आप हथियारों के साथ उसमें अभी चुनाव से पहले दरखास्त लगाई थी। अरे महमूद प्राचा जी चुनाव से पहले दरखास्त चुनाव बीत गए, अब गाएंगे वकील साहब, अब गाएंगे दरखास्त है, अब तो डेली मंदिर वही बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, मंदिर वही बनेगा, साथ आना चाहिए दोनों वर्ग को, दोनों समुदाय। अरे अब तो दूसरा पानी का पानी हो जाएगा, डेली हियरिंग है, फैसला चाहिए। स्कूल ऑफ ड्रामा शुरू हो गया, बड़े उपदेश दे रहे हैं सोनिया के गुर्गे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोनिया के गुर्गे बड़े उपदेश दे रहे हैं। क्या बोलिया जी ने तो कहा था राम वही नहीं राम से तू है ही नहीं दीपक, और राम में विश्वास करते नहीं है। नीतू जबाल आपको क्या लगता है कि कौन डरा हुआ है कि अगर फैसला आ जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा? ऐसा आपको लगता है कि कोई डरा हुआ है फिर एक बार ट्रांसलेशन और मीडिएशन? बिल्कुल मनीष जी, मैं यही जो यहां पर बैठकर टैग लेकर आते हैं राजनीतिक विश्लेषकों का, ये यहां पर बैठकर एक्सपोज होते हैं। जब ये यहां पर आप जो सवाल पूछते हैं आप विश्लेषक के ऊपर टिप्पणी करिए चाहे मेरे ऊपर करिए, अरे आप सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास मुद्दा नहीं है तो व्यक्तिगत टिप्पणी पे पहुंच जाते हैं नीचे से, और बहुत ही शर्मनाक बात है। आपसे सवाल नहीं देने के आप जवाब मेरे को दे रहे हैं, बोलना पड़ता है व्यक्तिगत तौर पर। आपके भी
बीच में कोई बोल रहा है क्या? मैं जवाब देने को ना आपको समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी दीपक झा दीपक झा दीपक झा उनको अपनी बात रखने दीजिए। आपके लिए आसान होता है आप लोगों का एजेंडा चला था ना वो एक्सपोज। मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में आ गया हूँ। अब एक एक का कमेंट होगा मैं अपनी बहस के आखिरी पड़ाव में हूँ। नीतु आप अपनी बात पूरी करें। आप एक्सपोज हो रहे हैं। मैं बढ़िया एक्सपोज हो रहा हूँ। जनता को देश को पता चल रहा है कि राम के नाम पे कितना कालाबाजारी किया जाता है। इसलिए मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। जरूर आपको करूँगा जब तक मेरे जिसम में खून का एक कतरा है ना। मैं राम भक्त दीपक ये फिल्मी डायलॉग से काम नहीं होगा। दीपक ये फिल्मी डायलॉग नहीं चाहिए कि मेरा आखिरी कतरा। ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। आप मंदिर के खिलाफ तो नहीं है। दीपक ये फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। आप मंदिर बनाने के नहीं। नीतु आप अपनी बात सबके पास जाना। राम मंदिर बनना चाहिए। आप अपनी अब आखिरी आखिरी पड़ाव में आखिरी पड़ाव निर्णय यहाँ दोहराया जाएगा और भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य निर्माण होगा। जी आचार्य जी अब धैर्य की परीक्षा पूरी हो गई है। बिंदुओं का बहुत धैर्य की परीक्षा हो चुकी। अब भव्य निर्माण का एक भव्य सुंदर मंदिर जो हिंदू हरेक हिंदुओं के रोम रोम में बसता है वो भव्य निर्माण 100 दिन में फैसला आएगा और उसी तरह से निर्माण होगा। सत्य के साथ न्याय होगा। जय श्री राम। मौलाना साहब देखिए इसमें बिल्कुल जो है हमें जो है जहन जो है दिलो दिमाग साफ करके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी निर्णय आएगा उच्चतम न्यायालय का उसके साथ जाना चाहिए और चाहे जिसके पक्ष में हो जिसके विरुद्ध। करोड़ों लोगों की भावनाएं भी देखेगा उच्चतम न्यायालय। ये तो करोड़ों लोगों की भावनाएं भी। अरे करोड़ों लोगों की इधर भी भावना है। सिर्फ आप ही की भावना नहीं है। सिर्फ कौन जो है ना वो भावना को नहीं देखता। वो जो साक्षियों को देखता है। की भावना को देख करके ही न्यायालय जो है वो उनके साक्षी को देखता है। इधर ही जो भावना है साक्षी भी देखेगा। सिर्फ राम माफी के नहीं है। खुदाई में निकले हिंदुओं की सिर्फ जो है जानकारी। अरे आस्था भी देखी जाएगी। बहुत बहुत पुराना हो चुका मामला। पूरे भारत बहुत धैर्य की परीक्षा हो चुकी है। ये मौलाना भी जी जी ये आखिरी दौर में दीपक झा आपका आखिरी कमेंट फिर मुझे विनोद बंसल महमूद प्राचा जी और सत्येन जी के पास जी जी आ रहा हूँ। विनोद जी आ रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये भारत भूमि के सभी पुत्र हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा उस सबको स्वीकारना होगा, सब मान्य होगा। भगवान राम सबके आराध्य हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन राम के नाम पे राजनीति करना बंद करें गुर्गे कुछ लोग। इस वक्त